जब आप इस सीरीज को देखने बैठोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक तरीके से बॉलीवुड की कहानी देख रहे हो, जैसे वहां पर जो ड्रग जो चल रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाई वेब सीरीज के बारे में, जो आप लोगों को एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड, और ऐसी बात नहीं कि जब ये 9 एपिसोड है इसमें पूरी की पूरी सीजन, मतलब इसका जो है वो खत्म हो जाता है, नहीं, इसका फर्स्ट सीजन ये भी खत्म हुआ है। जो इसका 9 जो एपिसोड खत्म होता है वो वहां पर सवाल बहुत सारे खड़े करता है, और उसके बाद देखने के लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, जो ऑब्वियसली इसका सेकंड सीजन आएगा उसमें वो चीजें क्लियर होंगी। और इस सीरीज में कास्ट है अक्षय ओबेरॉय, रणवीर छोरे, श्वेता बसु प्रसाद, मंत्रा और बाकी अन्य कलाकार। अभी सीरीज की कहानी की बात कर लेते हैं। शिव माथुर जिसे प्ले किया है अक्षय ओबेरॉय ने, वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड इसमें दिखाया गया है, मतलब वो ड्रग के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकता, ओवरडोज भी अपने आप को लगा लेता है कभी कभी। ऐसी हरकत वो एक रेस्टोरेंट में करता है जहां पर वो ओवरडोज के कारण बेहोश हो जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, और रेस्टोरेंट वाले उसको एक रिहैब में भेज देते हैं। रिहैब में जाने के बाद वहां पता चलता है कि वो वहां पर रिहैब पर वहां पर कोई एक नई दवा बनाकर जो पेशेंट है उनके ऊपर वो ट्राई कर रहे हैं, जो ये दवा बना रहे हैं एक तरीके से दिमाग की बीमारी ठीक करने के, अल्जाइमर की जो बीमारी है, जो भूलने की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए एक तरीके से ड्रग बना रहे थे। और जो वहां पर ये जाता है, शिव माथुर जाता है, तो इसको ये दवाई दी जाती है जिससे रातों रात इसकी ड्रग लेने की आदत छूट जाती है, और जो इसके अंदर जो पास्ट की जो एक अपने पिता और माता की जो इसने हत्या देखी थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट है, इसके अंदर पछतावा है, इसको दुख बहुत फील होता है, वो सारी चीजें, वो सारा घाव ये दवाई भर देती है, और इसको इतनी खुशी मिलती है जिसे मतलब उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था, अपने आप को खुश रहना ये स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी दवाई जब इसको मिलती है तो एक तरीके से इसको लगता है कि ये जो दवाई है वो क्रांति ला देगी इस दुनिया में। अब देखो यार, ये दवाई जिस पौधे से बनती है उसके बारे में आप लोगों को पता चलता चलेगा जब इसके 9 एपिसोड जब आप देखोगे, तो इसके शुरुआत में ही 2-3 मिनट के लिए फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि ये पौधा कैसे खोजा गया था, किन लोगों ने खोजा था, और जो इस हॉस्पिटल मतलब कि जो रिहैब में जो शिव माथुर को जो दवाई देते हैं एक तरीके से जो ड्रग दी जाती है उसको देने में, जो इस रिहैब को चलाने वाले हैं वो 3 लोग हैं। एक तो बूढ़ा डॉक्टर है जिसका नाम है रॉय, और जो 2 इसके कलीग हैं जो यंग हैं, एक का नाम है जो लड़की है उसका नाम श्वेता, और जो लड़का है वो नकुल। अब जहां पर ये रिहैब बना रखा है उसके ऊपर गवर्नमेंट की नजर होती है, वो गवर्नमेंट इसको कहती है कि भाई साहब इसको 27 करोड़ रुपए हमें दो तब ये रिहैब तुम्हारा बच पाएगा, वरना वन क्या होगा कि गवर्नमेंट इसको अपने कब्जे में ले लेगी। तो यहां पर जो है वो शिव माथुर इनको एक प्लान सुझाव कहते हैं कि भाई तुम इस जो यहां पर जो बना रहे हो, जो दवाई तुम लोगों ने बनाई है, इसको बाहर ले जाकर क्यों नहीं बेचते यार, इससे लोगों की मदद होगी और तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक तरीके से बता दूं यार, इस दवाई को बैन किया होता है गवर्नमेंट ने, अब बैन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने बैन करवाया होता है, ऑब्वियसली यार कौन चाहेगा कि ऐसी दवाई मार्केट में उतरे जो लोगों को ठीक कर दे, जिनको डिप्रेशन की बीमारी हो उसको ठीक कर दे। तो एक तरीके से इसको बैन करवा दिया गया था, इसमें कोई बुराई नहीं होती तब भी इसको बैन करवा दिया जाता है ताकि फार्मास्यूटिकल जो कंपनी उनको नुकसान ना हो। तब इसको शिव माथुर कहते हैं इसको इलीगली मार्केट में उतार कर क्यों ना पैसा कमाया जाए ताकि 27 करोड़ उनके पास इकट्ठे हो जाए और ये वो अपने जो रिहैब है उसको बचा सके। अब देखो यार, एक ऐसी ड्रग जो लोगों की जो कोकीन की जो ड्रग होती है वो एडिक्टेड होते हैं उस ड्रग के, उससे उनको मतलब उससे पीछा छुड़वा देगी, उनके जो पास्ट के जो घाव है वो मतलब जो दिमाग में जो घाव है उनको वो सही कर देगी, उनको खुश रहना सिखा देगी, और ये एडिक्टेबल भी नहीं है, इसको बार बार लेने की जरूरत भी नहीं है, तो कौन इसे लेना नहीं चाहेगा यार। एक तरीके से क्रांति आ जाती है मार्केट के अंदर। शुरू में इसकी शुरुआत होती है सिर्फ 3,000 पर ग्राम से, लेकिन ये बढ़ते चढ़ते लोगों के अंदर इतनी इसकी डिमांड बढ़ती है कि 20,000 पर ग्राम पे पहुंच जाती है। और जो लोग जो इसके ऑलरेडी जो धंधा कर रहे थे ड्रग का, जो मुंबई के अंदर जो ड्रग सप्लाई कर रहे थे उनका धंधा जो एकदम बिल्कुल चौपट हो जाता है, क्योंकि उसे कोई लेता नहीं, उस कोकीन को कोई नहीं लेता, और उनको डर लगने लग जाता है कि जो बॉलीवुड में जो ड्रग्स ले रहे हैं उनके यार अब उनके जो क्लाइंट है, जो महंगे महंगे क्लाइंट हैं दीपिका पाडुकोन, रिया चक्रवर्ती, वो क्लाइंट ही नहीं रहने वाले, उनके होश उड़ जाते हैं और ये उन लोगों को खोजना शुरू करते हैं यार ये कौन है जिन्होंने एक ऐसी जो ड्रग है वो मार्केट में लेके आ गए हैं जो रातों रात फेमस हो गई है। तो ऐसे ही मुंबई के ड्रग रैकेट को संभालने वाला एक मुन्ना भाई है, ना 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 संजय दत्त की बात नहीं कर रहा हूं यार, मुन्ना भाई हमेशा यही थोड़ा है कि जो संजय दत्त है जो ड्रग से और AK-47 से प्यार करता है वही आ जाएगा, मुन्ना भाई इसके अंदर कुछ और ही है जो ड्रग से मतलब एक तरीके से देखा जाए ना इनके मेकर्स ने नाम बड़ा सही रखा है मुन्ना। जब इस इंसान का धंधा चौपट होता है और साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनका भी धंधा चौपट होता है, उनकी डिप्रेशन की दवाई जो मिलती, और डिप्रेशन की दवाई जो दीपिका पाडुकोन वाली बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में जो डिप्रेशन की दवाई होती है, जब इनका धंधा चौपट होता है तो ये ढूंढने पर आते हैं कि भाई साहब ढूंढो उन लोगों को जिन्होंने ये ड्रग बनाई है और जिन्होंने मार्केट में जो बेच रहे हैं। अब शुरू हो जाता है यार घमासान, जो जिसने कोकीन को हरा दिया, कोकीन से भी पावरफुल एक चीज आ गई है, और अब बॉलीवुड वाले इसे ट्राई करने के लिए उतावले हो जाते हैं कि भाई हाँ ऐसी कौन सी ड्रग आ गई है हम क्यों नहीं ट्राई करें, ऑब्वियसली क्योंकि उनका तो
मतलब रिवाज है ना कि जो भी डकैती है वो इसको चेक तो करते हैं। अब देखो यार, ये तो एक ऑब्वियसली एक मूवी के अंदर, एक सीरीज के अंदर दिखाई गई है, कहीं बॉलीवुड वाले सचमुच में मार्केट के अंदर कूद जाएं और वो ढूंढना स्टार्ट करें कोई ऐसी दवा आई या ऐसी ड्रग आई है। भाई साहब ऐसी कोई ड्रग नहीं आई है, अपने घर पर आराम से रहो, इनका नशेड़ी गंजड़ियों का कुछ नहीं पता होता, ये सचमुच में कूद जाएं। एमएक्स प्लेयर पर मैंने पहली बार भारतीय वेब सीरीज, कोई ढंग की भारतीय वेब सीरीज मैंने देखी है जिसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट है, स्टोरी अच्छी है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी है। और अब देखने वाली बात है कि शिव माथुर और जो बाकी इसके जो दोस्त हैं डॉक्टर रॉय, नकुल, श्वेता, ये अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाते हैं, रिहैब को कैसे बचाते हैं। अब देखो यार, सारी स्टोरी तो मैं बताने से रहा क्योंकि वही बात आ जाती है ना यार, मैं किसी को स्पॉइलर देने के लिए बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं चाहता यार स्पॉइलर मिले और उसका इंटरेस्ट खराब हो और उसके एवज में तुम लोग मुझे गाली देने पर आ जाओ। और साथ ही साथ इसमें यह दिखाना कि जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है वो कैसे अपने फायदे के लिए एक अच्छी दवा लोगों के बीच में आने नहीं देना चाहते, जिससे लोग जो है वो ठीक हो जाए और वो अपना क्लाइंट बेस खत्म नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली बात है यार, पूरा पूरा जो आप देखो तो एक हर कोई पैसे को पसंद करता है, पैसे के लिए भले ही लोग जो मरते हैं वो मर जाए। एक इसमें जो बात दिखाई गई कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है उनको दबा के रख दिया जाता है, अच्छी खासी दवा उनको दबा के रख दिया जाता है, मार्केट में उनको बाहर ही नहीं आने देना चाहते ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, अपना कब्जा बना के रखना चाहती है क्योंकि ये ट्रिलियंस मतलब इतनी डॉलर की ये कंपनी है, वो कैसे मतलब जो दवा की कंपनी वो कैसे अपने आप को बर्बाद होने दे। अब मैं बात करूं परफॉर्मेंस की यार, इसके हर एक कलाकार ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, जो इसमें स्पेशली जो नशेड़ी गंजेड़ियों का जो इसमें परफॉर्मेंस दी गई यार, नशेड़ी गंजेड़ी तो कमाल के होते हैं, वो तो ऑब्वियसली यार अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे ही देते हैं। और इस बार अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू इसके ऊपर खर्च की गई है और इसके अंदर गाली गलौज बहुत ज्यादा है भाई साहब, इसमें वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इससे दूर रहें। अब बात करूं मुझे इसमें कमी क्या लगी यार, देखो एक ही कमी मुझे लगी, अगर वो इसमें कमी ना होती मैं इसको 10 out of 10 दे देता। देखो इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया कि बॉलीवुड में ड्रग जाते हैं, ये अच्छी बात है, इन्होंने बताया इसके अंदर बताने की कोशिश की। लेकिन ये होता कि अगर एक आधा एक्टर या एक एक्ट्रेस कोई इसके अंदर डाल देते कुछ मतलब स्पेशल मार्केटिंग के थ्रू, तो ज्यादा अच्छा लगता, प्रसन्नता महसूस होती कि हाँ एटलीस्ट इन्होंने किसी की पोल खोलने की कोशिश की या फिर दिखाने की कोशिश की या फलाना फलाना लेता है। बट नहीं यार, इन्होंने वो नहीं दिखाया, जिससे मेरा दिल यार बहुत ज्यादा दुखी हुआ। मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कोई तो बॉलीवुड वाला इसके अंदर दिखाए यार, बट कोई ना, एक तरीके से आप इसमें बॉलीवुड वाले की कहानी इमेजिन कर सकते हो कि बॉलीवुड वाले ही हैं जो नशा ले रहे हैं, तो आप इसे इंजॉय करोगे। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर किसी ने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, और जाकर देखो बॉलीवुड, एक तरीके से उड़ता बॉलीवुड आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।